यमुनानगर में एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने करीब 15 लाख कीमत की 330 ग्राम हेरोइन सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एंटी नार्कोटिक सेल की टीम का नशा तस्करों पर प्रहार लगातार जारी है। इसी कड़ी में कार्य करते हुए एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 लाख कीमत की 330 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के लिए रिमांड पर लिया गया। तो वैल्यू इसकी है, जड़ तक नहीं पहुंच पाए थे। जो लोग यूपी से आके यहाँ सप्लाई कर रहे हैं और 6 दिन का रिमांड लेके अगर पुलिस वहां तक जा रही है तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो लोग यहाँ सप्लाई करने आए हैं, जिसके पास 330 ग्राम की अगर क्वांटिटी मिल रही है कमर्शियल क्वांटिटी, वो मेन पेडलर ही है जी। और मैनेजर से बताया कि जो लोग इसके यहाँ लिंक हैं और जो लोग इसको बरेली या यूपी से रीइन्फोर्समेंट देते हैं वहाँ तक पुलिस पहुँचेगी। और यदि 51 मुकदमों की मैं बात करूँ, एक ही आदमी को गिरफ्तार करें तो 51 ही आदमी गिरफ्तार होने थे, परंतु हमारा फिगर पिछले 6 महीने का बता रहा हूँ मैं, 87 लोग सिर्फ ANC सेल ने गिरफ्तार किए हैं। ये लोग वो भी हैं जो सोर्स। तो खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही है। ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए।